दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एओसी को लेकर के। इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी हमारे वीडियो आए उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। दोस्तों आप लोगों के इस प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आगे एओसी से रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी इसको पाने के लिए, एकदम रियल चीज़ों को जानने के लिए, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें एओसी के बारे में। देखिए आप लोगों का एओसी का एडमिट कार्ड आ चुका है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पूरा दिखा दिया था कि पूरा प्रूफ के साथ हमने दिखा दिया है कि किस किस कैंडिडेट का कितना किस तरीके से मैसेज आया है, किस तरीके से आपके ईमेल्स पे आए हैं आपके एडमिट कार्ड। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ समस्याएँ हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत समस्याएँ हैं कि सर क्या स्टेट वाइज कट ऑफ गया हुआ है या किस कैटेगरी का कट ऑफ आसपास कितना गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके कि आपको फिजिकल के लिए, देखिए आपका एडमिट कार्ड आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग शॉर्ट हुए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। इसके अलावा फिर आपको एग्जाम भी देना है, एग्जाम की पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, और पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से छपेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं, पहले आपका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करो। देखो बहुत सारे कैंडिडेट का क्या है कि उनके पास ईमेल आ गया है, तो ईमेल आईडी से अपना जाकर के सीधा डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं दिखा दूंगा किस तरीके से आपको करना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं रह जाएगा। सबसे पहले देखिए, अगर जिन कैंडिडेट का ईमेल आ गया है तो सीधा ईमेल पे जा करके अपने ईमेल से एडमिट कार्ड को ले लो। अगर वहाँ से आपका ईमेल नहीं आया, मान लो आपको चेक करना आपके परसेंटेज 80-90 हैं, उसके बावजूद आपका अभी तक ईमेल पे नहीं आया है, तो आप लोग क्या करिए, देखिए यहाँ सिंपल सा आप चले जाइएगा सीधा एओसी की होम साइट पर, ठीक है ना। आप यहाँ डाल दीजिए aocrecruitment.gov.in, डालेंगे आप सीधा ये इंटरफेस आपका खुल करके आ जाएगा। सीधा आप लोग क्या करोगे, कैंडिडेट लॉगिन। अब देखिए जैसे आप लोग कैंडिडेट लॉगिन करोगे इस तरीके से आपका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम यानी आपकी जो ईमेल आईडी उसको डालना है, और फॉर्म को भरते समय जो आपने अपना पासवर्ड दिया था आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कैप्चा दिया हो, कैप्चा कोड डाल करके आपको सीधा लॉगिन कर लेना है, और जैसे आप लोग लॉगिन करोगे आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पूरा को खोल करके दिखा दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ये हमने देखो जब फॉर्म फिल किया था तो ये हमारा पूरा फॉर्म सबमिट हो गया था। इसके अलावा यहाँ पे जा करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो, लेकिन देखिए मेरा एडमिट कार्ड आ भी चुका है, आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, लेकिन आपका भी यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ एडमिट कार्ड के बारे में कुछ नहीं दिखा रहा है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जो फॉर्म नंबर है मेरा EWS 9765, इसको याद रखिए आप लोग। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इनका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, आप लोग को लाइव दिखाने वाला। दोस्तों देखिए अब हम लोग आ चुके हैं आपका ईमेल आईडी पर। देखिए आपका ईमेल आईडी पे भी आप यहां पे देख सकते हो फॉर्म नंबर कितना है, 9765। अब मैं आपको यहां पे ये एडमिट कार्ड भी दिखा देता हूं कि आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड यहां पे ओपन हो जाएगा। अब आप लोग यहां पे अपना एडमिट कार्ड भी देख सकते हो, ये देखो वही कैंडिडेट है जिसका हमने आपको दिखाया था, इसका फॉर्म नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनका जो सेंटर हो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, और इनका 19 अप्रैल को फिजिकल का एग्ज़ाम है, इनका फिजिकल जो है वो 19 अप्रैल को है 2023 5 बजे सुबह। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मेरे द्वारा दी जा रही सारी जानकारी आपके पास एकदम रियल और ऑथेंटिक है। दोस्तों इस तरीके की जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।